उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों के लिए नामांकन पूरा हो चुका है और 11 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होगा। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं सुनील नेगी जी, जो उत्तराखंड जर्नलिस्ट फोरम के अध्यक्ष हैं और पौड़ी जनपद से ही बिलोंग करते हैं। खासतौर पे जो ये लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उनकी कवरेज के लिए यहाँ पे आए हैं, और साथ में जो इनका दृष्टिकोण रहता है कि उत्तराखंड की भलाई के लिए यहाँ पे कुछ काम किया जाए, यहाँ पे अच्छे जनप्रतिनिधि लोकसभा में भेजे जाएं, उसके लिए भी आप यहाँ पे सक्रिय रहेंगे अगले एक पखवाड़े तक। आइए सुनील नेगी जी से बातचीत करते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर यहाँ पे पौड़ी में। और मैं जो सवाल की शुरुआत है, पौड़ी जो लोकसभा सीट है जिसे गढ़वाल सीट भी हम कहते हैं, इससे यहाँ पे जो मुकाबला है इस समय तीरथ सिंह रावत जो कि बीजेपी से हैं और जो बीसी खंडूड़ी साहब के जो सुपुत्र हैं मनीष खंडूड़ी जी, जिन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन करी है, वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा समीकरण देख रहे हैं आप, कौन जीतने वाला है? सबसे पहले तो मैं जागो उत्तराखंड को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप समय समय पर उत्तराखंड के सवालों को लेकर के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक गढ़वाल संसदीय सीट के चुनाव का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये चुनाव आज की तारीख में, जो पहले लग नहीं रहा था लेकिन आज की स्थिति हो चुकी है, ये चुनाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के तीरथ सिंह रावत और कांग्रेस के मनीष खंडूरी के बीच में एक सीधा सीधा चुनाव बन गया है। क्योंकि पहले ये उम्मीद हम कर रहे थे कि जो केदारनाथ में रिकंस्ट्रक्शन में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है कर्नल कोठियाल ने, और जिन्होंने मतलब बहुत से नवयुवकों को 8,000 नवयुवक कहते हैं कि उन्होंने फौज में उनको भर्ती करवाया, उनके यहाँ से चुनाव लड़ने की उम्मीद थी। तो उस समय ये समझा जा रहा था कि ये त्रिशंकु कॉन्टेस्ट होगा और उस त्रिशंकु कॉन्टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भी अपने अपने तरीके से नुकसान हो सकता है। लेकिन उनके इस चुनाव मैदान से हटने के बाद सीधे सीधे तौर पर ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है। मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन इस चुनाव में, इस सीट से खासतौर से ये मैंने देखा है कि एक तरफ जहाँ इस देश का आवाम, खासतौर से इस देश का युवक और गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, उत्तराखंड का युवक इस देश में बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त है। इस देश में बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स का जो रिटोरिक्स है, मतलब बहुत बड़े बड़े वायदे पिछले 4 साल में किए गए लेकिन उत्तराखंड के विकास को दृष्टिगत रखते हुए वो भलीभांति इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी नाराजगी आम जनमानस में बेरोजगार के सवाल को लेकर के जरूर है। क्योंकि पलायन की एक समस्या भी यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ी है जिस पर मौजूदा सरकार कुछ खास कर नहीं पाई है। तो मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी के सवाल पर और उत्तराखंड के और भी महत्वपूर्ण सवालों पर जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, वो बहुत सारे ऐसे काम नहीं कर पाई है जिसको लेकर लोगों में बहुत बड़ी नाराजगी है, खासतौर से गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के लोगों में। तो मैं समझता हूँ कि इस चुनाव में कांग्रेस को इसका वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा मिल सकता है। इसके अलावा लोकल स्तर पर अगर हम देखें तो आम जनमानस जो है उसको कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि सरकार के पिछले 2-3-4 साल के कार्यकाल में, चाहे वो केंद्र सरकार के 5 साल रहे हों, चाहे राज्य सरकार के 3-4 साल रहे हों, इसमें पहाड़ के जनमानस को विकेंद्रीकृत स्तर पर, गांव के स्तर पर, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चाहे वो शिक्षा की सुविधाएं हों, चाहे वो अन्य सुविधाएं हों रोजगार को लेकर के, उन्हें कुछ मिला नहीं है। तो उनको ये लगता है कि प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन उस सरकार की तरफ से इन्हें कोई न्याय नहीं मिल पाया। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो इस समय कांग्रेस के पक्ष में बहुत तेजी से जा सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नजर दौड़ाएं तो इस देश में 2014 के बाद जिस तेजी से काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर, ईटिंग हैबिट्स के नाम पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के साथ मतलब अत्याचार किया गया, जिस तरीके से देश में राम मंदिर के नाम पर हिंदू पोलराइजेशन का एक सिलसिला शुरू किया गया, और खासतौर से अभी कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद जब 40 हमारे जवान वहां शहीद हो गए, और उत्तराखंड के आप देख ही रहे होंगे राष्ट्रीय राइफल्स के बहुत सारे जवान शहीद हो रहे हैं देश की सेवा में, बॉर्डर्स की रक्षा में, तो उसके बाद जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जैसे पाकिस्तान पे टेरर स्ट्राइक हुआ बालाकोट में और उसके बाद अभिनंदन की वापसी हुई 2 दिन के बाद ही, तो इससे भी देश में एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया। तो मैं देखता हूं कि यहां पर जहां एक तरफ बेरोजगारी के सवाल पर लोग तेजी से नाराज हैं इस मौजूदा सरकार से, वहीं दूसरी तरफ
अल्ट्रा हिंदू नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म और हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ही मजबूत स्थिति में पा रही है, और मैं समझता हूँ कि इस चीज को वो बहुत व्यापक स्तर पर फैला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरफ प्रोग्राम और पॉलिसीज की लड़ाई है जिसको कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी तरफ हिंदूवाद के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर और एयर स्ट्राइक के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फायदे में लाने की स्थिति में कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये रहा है कि सत्ता में होने की वजह से, और बीच में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ आए, उन्होंने चार धाम यात्रा के की बात की, कॉरिडोर की बात की जिसमें 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा आयुष्मान भारत की वो बात कर रहे हैं, उसके अलावा फ्री गैस कनेक्शन से उज्ज्वला स्कीम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये तमाम प्रोग्राम पॉलिसीज को लेकर वो चल रहे हैं। अमित शाह भी बीच बीच में कई मरतब आए, तो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ब्लॉक लेवल पे जो वर्कर्स हैं, मैं मुझे ऐसा लगता है कि बूथ लेवल पे उनके काम ज़्यादा हैं बनस्पत कांग्रेस के। तो अगर हम इसको सीधे तौर पर देखें तो टक्कर सीधी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि मनीष खंडूरी भी एक सक्षम उम्मीदवार हैं जो एक मीडिया पर्सनल टर्न्ड पॉलिटिशियन है, जो फेसबुक इंडिया के इंचार्ज रहे, आईटी हब बनाने की पौड़ी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, उनकी और तीरथ सिंह रावत की टक्कर बिल्कुल सीधी नजर आती है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी एज की स्थिति में नजर आती है, क्योंकि मैंने देखा कि मोदी करिश्मा भी अपना रोल आम जनता में दिखा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भले ही वो राज्य की सरकारों से नाराज हों लेकिन केंद्र के इस चुनाव में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को अपहरण देने की कोशिश करें। कांग्रेस को अपने स्तर पर बहुत काम करना पड़ेगा, उनको गांव में उतरना पड़ेगा, कॉर्नर मीटिंग्स करनी पड़ेगी, और जो एक धर्म और जाति के नाम पर जो प्रभाव फैलाया हुआ है समाज में अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम पर, उस प्रभाव को खत्म करने के लिए उनको आम जनमानस में उतर करके अपने कार्यक्रम और पॉलिसी को ले जाकर के इसे खत्म करना होगा, इसका मुकाबला करना होगा। दूसरी सीट जो हमारे पड़ोस की है टिहरी की है, तो टिहरी में जो जनरल ओपिनियन है वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि राजशाही रही पहले और उसी वजह से वहाँ पे जो वहाँ महारानी है बार बार वहाँ जीतती भी हैं, लेकिन जो हम लोगों से वहाँ पे जानते हैं वो कहते हैं कि महारानी जो है वो आती नहीं है, घूमती नहीं है उस तरह से जिस तरह से ऐसे सांसद उन्हें घूमना चाहिए वहाँ पे। अभी प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के हैं उनके और महारानी के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है। गोपाल मणि महाराज हैं जो कि जो गौ रक्षा को लेके जो काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी धर्म का नेटवर्क बनाया अपना। प्रवीण तोगड़िया की संभवतः वो पार्टी है जहाँ से वो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक को डैमेज करने की स्थिति में है। तो टिहरी में क्या होने वाला है? टिहरी का आंकलन के हिसाब से मुझे लगता है कि टिहरी में इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप महारानी के कैंडिडेटों को देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़े तबके में, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में स्वयं इस बात की नाराजगी है वहाँ पर आम जनमानस के साथ साथ कि महारानी जो है वो वाइट कॉलर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजशाही से है और वो इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से आई भी नहीं जब तक वो पार्लियामेंट मेंबर रही हैं, वो नाराजगी अपनी जगह बरकरार है। लेकिन अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी को देखें तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह जो है वो मजबूत प्रत्याशी जरूर हैं, एक प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, लगातार जितनी भी सरकारें उत्तराखंड में रही हर सरकार में वो मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा गुलाब सिंह की फैमिली से वो आते हैं, चक्रवाता से, मैं समझता हूँ कि 6 मरतबा वो निरंतर 6 टर्म के लिए वो MLA उस क्षेत्र से रहे, मतलब जौनसार एरिया में, चक्रवाता एरिया में वो बहुत फेमस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको कोई हरा नहीं सकता, मतलब ही इज ए किंग इन दैट एरिया। बट जहाँ तक यहाँ की बात है, टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रीतम सिंह की कोई दखल अभी तक रही नहीं है और वो चक्रौता से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। अगर प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो पूरे प्रदेश में सक्रिय रहे हैं इतने से कार्यकाल में हरीश रावत के जाने के बाद, तो उसके बावजूद भी टिहरी में वो ज़्यादा सक्रिय रहे नहीं। और टिहरी में किशोर उपाध्याय जैसे पुराने जो प्रत्याशी रहे उनका भी टिकट कटा, हेमवती नंदन भागुना के सुपुत्र विजय भागुना जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिनका जो स्वयं वहाँ से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और उनका लड़का साकेत भागुना जो स्वयं वहाँ से 2 बार चुनाव लड़ चुका भले ही वो हार गया, तो उनको भी टिकट नहीं मिला। तो हरीश विजय भागुना किशोर उपाध्याय को टिकट ना मिलने की वजह से उनके खेमों में बहुत बड़ी नाराजगी है।
कांग्रेस के दृष्टिकोण से तो वहां नाराजगी है और बीजेपी के दृष्टिकोण से महारानी लक्ष्मी की तरफ नाराजगी। तो कहने का मतलब दोनों पार्टियों में फैक्शनलिज्म अपनी तरफ अपनी तरह से जोरों पर है, लेकिन उसके बावजूद जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर मोदी की ये जो राष्ट्रवाद की जो लहर है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कुछ हद तक उसका प्रभाव पहाड़ में, मैं ये नहीं कहता पूरा है, अगर उसका असर दिखता है, हिंदू पोलराइजेशन का असर दिखता है, तो ये सब चीज़ें क्षीण हो जाती हैं। मतलब जब इस तरीके की चीज़ें समाज में फैलती हैं राम मंदिर के नाम पे या एयर स्ट्राइक्स के नाम पर या राष्ट्रभक्ति के नाम पर, तो बाकी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि नाराज़गी भरी भले ही महारानी लक्ष्मी के साथ है, लेकिन चूंकि वो उस परिवार से हैं जिसे बोलेंदु बद्री परिवार कहते हैं, उनको भगवान का रूप भी मिलता है, और आपने देखा होगा कि उससे पहले भी मानवेंद्र शाह लगातार 5 मरतबा जीते जबकि उन्होंने क्षेत्र में खास काम नहीं किया। तो एक वहां के लोगों की उस परिवार के प्रति भक्ति, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद, हिंदुइज्म वगैरह वगैरह, और उसके अलावा मोदी का पर्सनल करिश्मा अपनी जगह है। प्रीतम सिंह के बारे में मैंने आपको बताई दिया कि उनके लिए ये इसलिए टफ भी पड़ने वाला है क्योंकि वो पहली बार इस क्षेत्र से लड़ रहे हैं और उनकी पार्टी के भीतर ही फैक्शनलिज्म है, हो सकता है वो फैक्शन के खिलाफ काम करता है या पक्ष में करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन टक्कर जोरों की है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि एज जो है सैफरन पार्टी का ऊपर है। हरिद्वार की बात कर लेते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक चमत्कारी व्यक्तित्व है उनका, अच्छा बोलते हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उल्लू से गढ़वाल से ही हैं, पौड़ी से ही हैं, लेकिन अब हरिद्वार उन्होंने घर बना लिया है वहाँ पे, और बताया जाता है कि हरिद्वार में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, कम से कम शहरी क्षेत्र में जो कुंभ का आयोजन हुआ है उससे लोग और जो वहाँ का धार्मिक समाज है, जो बाबा लोग हैं वहाँ पर, वो काफ़ी सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं जब उनसे पूछा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के अमरीश कुमार वहाँ पर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी मजबूत स्थिति में बताया जाता है कि काफ़ी अच्छा उनका भी नेटवर्क है वहाँ पर, वहाँ पर क्या होना है? हरिद्वार की स्थिति भी काफ़ी पेचीदी है इस समय। एक्चुअली कोई भी प्रत्याशी जब किसी क्षेत्र से लड़ता है तो 5 वर्ष के बाद उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी शुरू हो जाता है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो भूतपूर्व सीएम रहे उत्तराखंड के और मौजूदा एमपी हैं हरिद्वार से, वो कवि हृदय व्यक्ति हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं, उनकी बेटी की एक फिल्म भी उन्होंने अभी बनवाई है, और उसके अलावा काफ़ी सक्रिय संसद में भी वो दिखाई देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अमरीश कुमार का जो प्रश्न है, अमरीश कुमार एक नए प्रत्याशी हरिद्वार क्षेत्र में है, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग नए प्रत्याशी को प्राथमिकता देना चाहते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर आप मुख्यमंत्री देखते हैं, किसी व्यक्ति को आप सांसद देखते हैं 2-3 बार, और उसके बावजूद भी अगर उनको लगता है कि वो व्यक्ति उनकी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरता है, तो कई बार लोग चेंज को भी प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का संघर्ष हरिद्वार की सीट पर काफ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अमरीश कुमार जहां नए प्रत्याशी हैं अनुभव के दृष्टिकोण से, वहीं अपने निशंक साहब डॉक्टर निशंक वो काफ़ी कांटे का है क्योंकि निशंक साहब का एक प्लस पॉइंट भी हरिद्वार में उन्होंने कुंभ क्षेत्र में काफ़ी काम भी किया, लेकिन इसके साथ साथ सिटूडिया जैसे घोटाले उनका पीछा आज तक नहीं छोड़ रहे हैं, ये जो कुंभ में जो घोटाले हुए थे वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि कोई चीज़ साबित नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ उठ जाती है तो वो बहुत दूर तक आदमी का पीछा नहीं छोड़ती। तो ये तमाम कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल हैं जो उनके साथ रहेंगे उनके उपलब्धियों के साथ साथ, लेकिन अमरीश कुमार एक नए प्रत्याशी होने के नाते क्या टक्कर देते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन टक्कर कांटे की है। गढ़वाल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और जो कुमाऊं की जो 2 सीटें हैं नैनीताल अल्मोड़ा की, उनकी भी बात कर लेते हैं। अल्मोड़ा में ट्रेडिशनली टमटा अजय टमटा और प्रदीप टमटा, अजय टमटा बीजेपी से और प्रदीप टमटा कांग्रेस से, उनके बीच मुकाबला है। अजय टमटा जो है राज्य मंत्री रहे, कपड़ा मंत्री रहे केंद्र सरकार में, क्या देख रहे हैं वहाँ आप, क्या होने वाला है? अल्मोड़ा सीट से जो हमें रिपोर्ट मिल रही है अभी तक, तो पहले तो अजय टमटा के बारे में ये कहा जा रहा था कि अजय टमटा भले ही बहुत ही हम्बल व्यक्ति है और केंद्र में मंत्री बनने के बावजूद भी उनका मुसलसल अपने क्षेत्र से जुड़ाव रहा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को व्यक्तिगत तौर से देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि पिछले 4-5 वर्षों के कार्यकाल में टमटा निरंतर अपने क्षेत्र से जुड़े रहे। उन्होंने आपने देखा होगा कि हवाई सेवा भी अपने क्षेत्र में शुरू कराई, रेल सेवा भी उन्होंने शुरू कराई, और उसके अलावा जो है वो अपने जो उनके टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उसके माध्यम से वहाँ पर उन्होंने एक प्लांट लगाने की भी व्यवस्था की है जिसके जरिए वो जो पाइन नीडल्स हैं उससे हैंडलूम के जरिए रेशा तैयार करके लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं।
तो वो मुसलसल वहां के लोगों से उनका जुड़ाव लगातार रहा है, जबकि प्रदीप टम्टा राज्यसभा में जाने के बाद उनका रिश्ता वहां के क्षेत्र की जनता से कम रहा है। हालांकि प्रदीप टम्टा के साथ ये प्लस पॉइंट जरूर है कि वो आंदोलन के व्यक्ति रहे, उन्होंने शराब नहीं रोजगार नहीं आंदोलन में साथ दिया, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में वो सक्रिय रहे, प्रोग्रेसिव ताकतों के साथ वो रहे, प्रोग्रेसिव ताकतों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, आंदोलनकारी शक्ति के न्यूक्लियस के रूप में वो काम करते हैं, तो वो उनके साथ प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन टम्टा के बारे में ये कहा जा रहा है कि टम्टा की हम्बलनेस और उनका जो जनता से रुझान रहा वो उनको आज भी ऊपर की स्थिति में खड़ा करता है, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक क्रांतिकारी आंदोलनकारी के नाते और शराब नहीं रोजगार दो जैसे आंदोलनों में सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रदीप टम्टा को भी हम कम नहीं आ सकते। यहाँ भी दोनों टम्टाओं के बीच में संघर्ष जो है कांटे का रहने वाला है, आने वाला वक्त ही इस चीज को बताएगा कि इसमें क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुल मिला के मोदी फैक्टर हर जगह अपना रोल अदा कर रहा है। मोदी फैक्टर विल बी एन एडिशनल एडवांटेज टू द बीजेपी, जो मैंने अपने आप इस चीज को एसेस किया है। हालांकि मेरा एक न्यूट्रल असेसमेंट है और मेरा किसी पार्टी के प्रति कोई रुझान नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर सीट में मोदी फैक्टर वुड अमाउंट टू बी एन एडिशनल प्लस फॉर द बीजेपी। लेकिन मैं जो एक खास बात अभी तक वो ये नहीं की कि अगर कांग्रेस चाहे तो अपने स्थिति को बहुत इंप्रूव कर सकती है, और प्रियंका गांधी की जो एंट्री है मैं समझता हूँ वो कांग्रेस के लिए राममार्ग का काम कर सकती है। लेकिन मुझे इस बात का अभी तक बड़ा अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय है अपनी प्रियंका गांधी, वो कब उत्तराखंड में सक्रिय होती है देखने वाली बात है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रियंका गांधी के आने के बाद जो 20-30% स्विंगिंग वोट होता है, जो हमेशा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो प्रियंका गांधी आने के बाद संभवतः कांग्रेस तरफ टिल्ट हो सकता है। मैंने ये भी देखा है कि जो पहाड़ की महिलाएं हैं आज भी वो इंदिरा गांधी को याद करती हैं, और आपको ये पता है कि प्रियंका गांधी में उनका अक्स देखा जाता है, तो कहीं ऐसा होगा क्या या महिलाएं बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाएं, ऐसा कुछ हो सकता है? निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी के आने के बाद निश्चित तौर पर जो महिला शक्ति है उसका रुझान कांग्रेस तक पुनः आ सकता है, क्योंकि इंदिरा गांधी को याद करते हुए महिलाओं का रुझान इस तरफ मुड़ सकता है। इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए जो किया है और जिस तरीके से एक महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने जो अपनी एक साख बनाई है इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका असर लोग प्रियंका गांधी में देख रहे हैं, और प्रियंका गांधी के आने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस को महिला वोट को अपनी तरफ करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नैनीताल सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे हॉट सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत AICC में की रोल में है इस समय, और अजय भट्ट हैं हालांकि प्रदेश में अध्यक्ष रहे बीजेपी के, लेकिन लोग इसमें विधानसभा चुनाव हारे भी थे, वो तो क्या देख रहे हैं वहाँ पे? नैनीताल सीट में एक चीज बड़ी दिलचस्प इस बार ये देखने को मिल रही है कि दोनों प्रत्याशी नए हैं, एक प्रदेश का मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है तो दूसरा पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश का है। टक्कर दोनों के बीच में कांटे की, एक राजपूत है तो एक ब्राह्मण कैंडिडेट है। लेकिन इसमें एक बात बड़ी जो कांटे की वो ये है कि जिस तरीके से RSS के एक पुराने वेटरन को, जिस तरीके से एक पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, जिस अनसेरेमोनियस तरीके से उनको टिकट नहीं दिया गया है भगत सिंह कोश्यारी जी को, मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा एक वर्कर का तबका और वोटर का तबका इस बात से बेहद नाराज है। और ये नाराजगी सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान करके कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट नेशनल पैन इंडिया लेवल के लिए रिलीज हुई है उसमें भी सतपाल महाराज का नाम है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी का नाम नहीं है, जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन पार्टी को उत्तराखंड में खड़ा करने पर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये नाराजगी अजय भट्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होने वाली है, क्योंकि न सिर्फ वो नए हैं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का नंबर काट के उन्होंने टिकट लिया है जिसकी बहुत बड़ी फोर्स नैनीताल संसदीय उत्तम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में काम करती है। तो ये बड़ा बहुत बड़ा डिमेरिट ड्रॉबैक जो खिलाफ जाएगा विजय भट्ट के वो रहेगा। रही बात हरीश रावत की, तो हरीश रावत के बारे में एक चीज बड़ी प्रचलित है कि वो पिछले कई वर्षों से कॉन्स्टिट्यूंसीज निरंतर बदलते रहे हैं, चाहे वो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज रही हो पिछले चुनाव में, जहां से वो हरिद्वार कुमाऊं में, जहां दोनों जगह से वो हार गए,
और उसके अलावा पहले हरिद्वार से वो एमपी रहे, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री माने अपनी बीवी को वो सीट दिलवा दी जो खुद हार गई वहां से, और अब वहां से किनारा करते हुए वो नैनीताल की तरफ बढ़े। तो सवाल ये है कि अगर कोई आदमी किसी एक क्षेत्र में कंसोलिडेट नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उसका वोट बैंक कभी भी मजबूत या कंसोलिडेट नहीं कहा जा सकता है। तो हरीश रावत भले ही वहां पहुंच गए हैं और भले ही वो एक कद्दावर नेता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के और सांसद भी रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट और साफ है कि उनको नाकों चने चबाने पड़े ये नैनीताल सीट में अपना वर्चस्व दोबारा बनाने के लिए। क्योंकि मैंने फिर आपको एक बात कही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है वहां के फैक्शनलिज्म की तरफ से वजह से जो भगत सिंह कोश्यारी की वजह से पैदा हुआ है उस क्षेत्र में, वहीं दूसरी तरफ मोदी करिश्मा जो फैक्टर है, अल्ट्रा नेशनलिज्म है, हिंदूवाद की लहर है और जो मोदी के प्रति खास लोगों में एक रुझान बन रहा है वो उस नुकसान को कवर कर सकता है। हरीश रावत एक मैनिपुलेटर है, एक अच्छे संगठन करता है, एक अच्छे वक्ता है। राहुल गांधी ने जो आज कल ही इस देश में गरीब तबके के लोगों में को सत्ता में आने के बाद 72,000 रुपये हर परिवार को देने की गारंटी दी है और जिससे कि ऋण माफी की वो बात कर रहे हैं, अगर ये तमाम सवाल और बेरोजगारी के सवालों पर जो मोदी सरकार की तरफ से नाराजगी लोगों में है, अगर हरीश रावत जी इन सब चीज़ों को भुनाने में कामयाब हो जाते तो निश्चित तौर पर वो बहुत मजबूत टक्कर अजय भट्ट को दे सकते हैं। लेकिन अभी भी नैनीताल में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऊंट किस करवत बैठेगा। तो एक बहुत ही न्यूट्रल समीक्षा हमने आपके सामने प्रस्तुत करी जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और जनता के जो सवाल हैं, कांग्रेस कहना चाह रही है कि साहब हम रोजगार देंगे, और बीजेपी जो सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने या एयर स्ट्राइक की या देशभक्ति की भावना या हिंदुज़्म, इस तरह की जो चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे जो मोदी फैक्टर है जो कि बीजेपी को थोड़ा सा एज दिलाता है, जैसे सुनील नेगी जी ने भी बताया, वहाँ से बीजेपी थोड़ा एज लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उत्तराखंड में जो मुकाबला है वो पिछली बार की तरह 5-0 नहीं होने वाला है, ये 3-2 हो सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। जागो उत्तराखंड के लिए पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।